ओमज्ञान्तिमिदन्तस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 7 सातवां श्लोक। कस्ताम त्व आनर्दित्य परानुचिन्तां ऋते पशुम् असतिं नाम कुर्यात् पश्याञ्जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजां प्रतिपां दुशानम्। ट्रांसलेशन। हु एल्स बट अ ग्रॉस मटीरियलिस्ट will neglect such transcendental thought and take to the non-permanent names only, seeing the mass of people fallen in the river of suffering as the consequence of accruing the result of their own work. तो पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने बताया है कि कैसे हर एक व्यक्ति को भगवान पर ध्यान करना चाहिए, जो भगवान हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लोग भगवान के ऊपर, भगवान के जो रूप के ऊपर ध्यान नहीं करते, ऐसा जो दिव्य चिंतन नहीं रहता, परानुचिंताम, परानुचिंताम का मतलब है भगवान के बारे में चिंतन करना। तो जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान का नाम का जप नहीं करते, तो वो सब लोग ये भौतिक दुनिया के नामों का जप करते हैं। और वो देखते हैं कि बाकी सब लोग का जिंदगी कष्ट में है। यहाँ पे वर्णन आ रहा है, पश्यन जनम पतितम वैतरण्याम। वैतरणी का मतलब है जो नदी, कष्टों का नदी है। हर एक व्यक्ति यहाँ ये दुनिया में कष्टों के नदी में डूब रहा है। तो लोग देख पाते हैं कि बाकी के जिंदगी में कष्ट है, पर क्योंकि भगवान का भक्ति नहीं करते, देखते हुए भी उनको दिखता नहीं है। पश्यन नपी न पश्यति। परपोर्ट। इन द वेदास इट इज सेड दैट पर्सन्स हु आर अटैच्ड टू डेमिगॉड्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड आर लाइक द एनिमल्स हु फॉलो द हर्ड्समैन इवन दो दे आर टेकन टू द स्लॉटर हाउस। तो वेद में वर्णन आता है, जो लोग भगवान के साथ आसक्त नहीं है और ये दुनिया के साथ आसक्ति है, उनका देवताओं के साथ भी आसक्ति है, ये सब लोग कैसे हैं, वो पशु की तरह है जो जो पशु चराता है उनको लेके जाते हैं और पशु पीछे पीछे जाता है, पर इनको, इन पशुओं को पता नहीं है कि जो लेके जा रहा है उनको, वो खतल खाने में लेके जा रहा है। तो वैसे ही ये दुनिया में हम जितना भी प्रयास करेंगे, जितना भी भोग करने का प्रयास करेंगे और लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, अल्टीमेटली हमको दुख ही मिलने वाला है। पतितम वैतरण्याम, दुख के नदी में हम बहने वाले हैं, समय के नदी में बहने वाले हैं। तो पशु में और मनुष्य में फर्क क्या है? पशु को दिखता नहीं है,
ये जो बेड़ियां हैं पीछे जाते हैं, बकरियां हैं, पर उसको दिखता नहीं है कि मेरा अभी कत्ल होने वाला है, मैं कत्ल खाने में जा रही हूँ, उसको दिखता नहीं है। पर हम भी वैसे ही हैं पशु की तरह। हाँ, हमको समझ में नहीं आता कि अंत में मृत्यु आएगा। मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु सर्वहरश्च। हम लोग देखते हैं कि आजू बाजू सब जगह मृत्यु हो रहा है, पर उनको समझ में नहीं आता कि मेरा भी नंबर आएगा। द मटीरियलिस्ट लाइक एनिमल्स ऑल्सो डू नॉट नो हाउ दे आर बींग मिसडायरेक्टेड बाई निग्लेक्टिंग द ट्रांसेंडेंटल थॉट ऑफ द सुप्रीम पर्सन। तो जो भौतिक व्याधी व्यक्ति है वो भी पशु की तरह है, क्योंकि वो भगवान का चिंतन छोड़ रहे हैं। भगवान का चिंतन छोड़ के, भगवान का सेवा छोड़ के, ये भौतिक दुनिया का चिंतन और ये भौतिक दुनिया के लोगों के सेवा में लगे हैं। नो वन कैन रिमेन वेकेंट ऑफ थॉट। हर एक व्यक्ति मन को खाली नहीं रख सकता, कुछ न कुछ विचार आएंगे ही, कुछ न कुछ चिंतन करेगा ही मन। तो दिव्य विषय नहीं है, आध्यात्मिक विषय नहीं है, तो हम भौतिक विषय के बारे में चिंतन करेंगे। मन खाली नहीं रह सकता। इट इज सेड दैट एन आइडल ब्रेन इज अ डेविल्स वर्कशॉप बिकॉज अ पर्सन हु कैनॉट थिंक इन द राइट वे मस्ट थिंक ऑफ समथिंग विच में ब्रिंग अबाउट डिजास्टर। तो खाली मन शैतान का घर, शैतान वहां पर आके बैठ जाता है। तो जब हम हमारे मन से भगवान को निकालते हैं तब माया आके बैठती है। जैसे हम देखा रामायण में, जब सीता राम को भेजती है बाहर, तब रावण आके आक्रमण करता है। तो रावण कब किसके लिए रुका था? रावण उधर ही था, वो रुका था कि कब राम जाएंगे। तो वैसे ही जब हम हमारे मन से कृष्ण को निकालते हैं तब माया को हम स्थान दे सकते हैं, क्योंकि मन कभी खाली रहता नहीं है। तो इसलिए जब हम भगवान को निकालते हैं तो भौतिक चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और ये भौतिक चिंतन से हमारा कष्ट होगा, हमारे ज़िंदगी में डिज़ास्टर आएगा। एक बार एक व्यक्ति को एक जीनी मिला था, वो अलादीन का लैम्प होता ना, तो उसने रब किया वो लैम्प को और एक जीनी निकला, बोला जो हुकुम आका। तो इसने बोला मेरे लिए घर बांधो, तो जीनी ने घर बांध दिया। बोला मेरे लिए 56 भोग लेके आओ, 56 भोग आ गया। तो जो भी मांगता था जीनी करता था, पर जब इसके पास कुछ इच्छा नहीं था रखने के लिए तो जीनी पागल हो गया। जीनी बोलने लगा तुरंत कुछ बताओ नहीं तो मैं तुमको खा दूंगा। तो उसने एक सीढ़ी लाया और जीनी को बोला ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। तो जीनी ऊपर चढ़ के नीचे उतरते लगा, वही करते रहता। और जब इसको मालिक को सब कुछ चाहिए था, जीनी को बुलाता था, काम कराता था, और वापस वो सीढ़ी पे ऊपर नीचे लगाता था। तो हमारा जो जपमाला है वो एक सीढ़ी की तरह है, और हमारा मन ये जीनी की तरह है। खाली छोड़ेंगे मन खाएगा। इसलिए जब चाहिए मन को यूज़ करो, जब नहीं चाहिए मन को भगवान के हरि नाम में लगाओ। इट इज़ सेड दैट एन आइडल ब्रेन इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप बिकॉज अ पर्सन हु कैनॉट थिंक इन द राइट वे मस्ट थिंक ऑफ समथिंग विच में ब्रिंग अबाउट डिजास्टर। द मटीरियलिस्ट आर ऑलवेज वर्शिपिंग सम माइनर डेमीगॉड्स ऑल्सो दिस इज कंडेम्ड इन भगवद गीता 7.20। जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो हमेशा किसी न किसी का पूजा करता है, भगवान का आराधना पूजा छोड़ देता है, पर अन्य देवताओं का पूजा करता है। ये मनुष्य समाज में जो बहुत श्रेष्ठ है, जो बहुत शक्तिशाली है, उनका पूरा पूजा आराधना करता है, उनका चापलूसी करता है। भगवान का सेवा छोड़ के हम किसी और के दास बनते हैं। एज लॉन्ग एज अ पर्सन इज इल्यूजन बाय मटीरियल गेन्स ही पेटिशंस द रिस्पेक्टिव डेमिगॉड्स टू ड्रॉ सम पर्टिकुलर बेनिफिट विच इज आफ्टर ऑल इल्यूजरी एंड नॉन परमानेंट। तो भगवान गीता में बताते हैं व्यक्ति बहुत प्रयास करता है, देवताओं का पूजा करता है, और अगर देवता खुश भी हो गए वो जो वर देंगे, क्योंकि देवताओं के पास भी शक्ति नहीं है आध्यात्मिक वर देने का, वो जो वर देते हैं वो भी भौतिक रहता है। तो ये भौतिक वर अल्टीमेटली नश्वर है। तो इसलिए भगवान गीता में बताते हैं तद्भवति अल्पमेधसाम। जो लोग देवताओं का पूजा करते हैं वो कम बुद्धि के हैं, अल्पमेधसाम। द एनलाइटन ट्रांसेंडेंटलिस्ट इज नॉट कैप्टिवेटेड बाई सच इल्यूजरी थिंग्स।
Therefore, he is always absorbed in the transcendental thought of the Supreme in different stages of realization, namely Brahman, Paramatma, Bhagavan. इसलिए जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसको ये माया की चीज़ों के प्रति आसक्ति नहीं है, हमेशा दिव्य चिंतन में रहता है, ब्रह्मन के रूप में, परमात्मा के रूप में या भगवान के रूप में. इन द प्रीवियस वर्स इट इज सजेस्टेड दैट वन शुड थिंक ऑफ द सुपर सोल विच इज वन स्टेप हायर देन द इम्पर्सनल थॉट ऑफ ब्रह्मन एज इट वॉज सजेस्टेड इन द केस ऑफ कंटेम्पलेटिंग द विराट रूप ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड. तो हमने देखा कि पिछले अध्याय का शीर्षक था द फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन. तो वो अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने विराट रूप के बारे में समझाया है. तो वो शुरुआत है भगवान का, ये ब्रह्मांड का रूप, भौतिक दुनिया का रूप, विश्व रूप. उसका अगला स्टेप सुखदेव गोस्वामी ये अध्याय में समझाते हैं कैसे परमात्मा के रूप में ध्यान करना है, परमात्मा के ऊपर कैसे ध्यान करना है. सो ये नेक्स्ट स्टेप है. इंटेलिजेंट पर्संस हु कैन सी प्रॉपरली मे लुक इन टू द जनरल कंडीशन ऑफ द लिविंग एंटिटीज हु आर वॉन्डरिंग इन द साइकिल ऑफ 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ एज वेल एज इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ ह्यूमन बींग्स. जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको ये आँख खोल के दुनिया देखना चाहिए कि कैसे ये दुनिया में हर एक जो प्राणी है अलग अलग शरीरों में भ्रमण करता रहता है. कौमारन यौवनम जरा, तो ये शरीर में भी अलग अलग हमारा शरीर बदलता है, बच्चे का शरीर, यौवन का शरीर, बुढ़ापा का शरीर. वैसे ही व्यक्ति जब मर जाता है उसको और एक शरीर मिलता है. तो ये जन्म मृत्यु के चक्कर में हर एक व्यक्ति, हर एक जीव फंसा है. इट इज सेड दैट देयर इज एन एवरलास्टिंग बेल्ट ऑफ वाटर कॉल्ड द रिवर वैतरणी एट द एंट्रेंस ऑफ द प्लूटोनिक प्लैनेट ऑफ यमराज हु पनिशेस सिनर्स इन डिफरेंट मैनर्स. तो यहाँ पे वर्णन आता है पश्चान जन्म पतितम वैतरण्याम. वैतरणी क्या है? एक नदी है, यमलोक में ये नदी बहता है. वैतरणी ये दुख का नदी है, जहाँ पे जो लोग बहुत पाप करते हैं ये नदी में उनको कष्ट मिलता है. आफ्टर बींग सब्जेक्टेड टू सच सफरिंग्स अ सिनर इज अवॉर्डेड अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द डीड्स इन द पास्ट. तो जब व्यक्ति मरता है और अगर उसने भक्ति नहीं किया है तो वो यमलोक जाता है, और यमलोक में जो यमदूत हैं ये वैतरणी नदी में उसको डुबा के कष्ट देते हैं और बाद में उसको और एक शरीर मिलता है. सच लिविंग एंटिटीज आर पनिश्ड बाय यमराज आर नेवर सीन इन डिफरेंट वैराइटीज ऑफ कंडीशन लाइफ. तो ऐसे जीवों को यमराज दंड देते हैं. सम ऑफ देम आर इन हेवन एंड सम ऑफ देम आर इन हेल. सम ऑफ देम आर ब्राह्मणास एंड सम ऑफ देम आर माइजर्स. बट नो वन इज हैप्पी इन द मटीरियल वर्ल्ड and all of them are either A, B or C class suffering prisoners because of their own deeds. तो ये भौतिक दुनिया में किसी को कम दंड मिलता है, किसी को ज़्यादा दंड मिलता है, किसी को जन्म मिलता है ऊंचे परिवार में, किसी को नीचे जो प्राणी है उसमें जन्म मिलता है. पर यह भौतिक दुनिया एक कैद का ना है, और हर एक जो ये भौतिक शरीर है, 84 लाख जो शरीर है, ये भी एक प्रिजन है, बंधा जाता है जीव. तो किसी का जो कैद खाना है हायर क्लास रहेगा, ए क्लास जेल, किसी का बी क्लास, किसी का सी क्लास. पर ये भौतिक दुनिया में हर कोई कष्ट में है. आप किसी से भी जाके बात करो, हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ समस्या है. एवरीवन, हर एक व्यक्ति अपने कष्टों के नदी में बह रहा है. द लॉर्ड इज इम्पार्शियल टू ऑल सर्कमस्टेंसेस ऑफ द सफरिंग ऑफ लिविंग एंटिटीज. But one would take shelter of his lotus feet. The Lord gives proper protection, and he takes such a living entity back home, back to himself. तो भगवान गीता में बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषोस्तिनप्रिया ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चापियम. तो भगवान बताते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, हर एक जीव को. नमे द्वेषोस्तिनप्रिया, मैं किसी से ज़्यादा प्रेम नहीं करता, मैं किसी से ज़्यादा द्वेष नहीं करता, न्यूट्रल. जैसे हम रस्ते में जाते हैं, लोगों को देखते हैं, रस्ते के जो लोग हैं उनसे हम प्रेम भी नहीं करते, उनसे द्वेष भी नहीं करते, न्यूट्रल है.
भगवान सबके लिए परमात्मा के रूप में सबको समान दृष्टि से देखते हैं, पर भगवान बोलते हैं बट जो मेरे भक्त हैं उनका खास करके मैं रक्षण करता हूँ और उनकी जो मदद है मैं करता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। तो भगवान गीता में बोलते हैं ऐसे भक्तों को मैं मदद करता हूँ और बुद्धि देता हूँ ताकि वो वापस मेरे पास आ सके। टेक्स्ट 8, केचित् स्वदेहांत्र हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कांच रतांग शंका गदाधरम धारणाय स्मरंती। तो अब तक सुखदेव गोस्वामी ने बताया है कि व्यक्ति को परमात्मा के ऊपर ध्यान करना है, धारणा आश्रय, जो धारणा के स्वरूप है, कौन से रूप पे धारण, जो धारणा है, समाधि है, ध्यान है, करना चाहिए। तो हमने देखा कि पिछले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कैसे विराट रूप के ऊपर ध्यान करना है और पूरे विस्तार से विराट रूप का वर्णन करते हैं। तो ये अध्याय में ये श्लोक से सुखदेव गोस्वामी परमात्मा का वर्णन करते हैं, जो परमात्मा हम सबके हृदय में है वो परमात्मा कैसे दिखते हैं उसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। ट्रांसलेशन, अदर्स कंसीव ऑफ द पर्सन ऑफ गॉडहेड रिसाइडिंग विद इन द बॉडी इन द रीजन ऑफ द हार्ट एंड मेजरिंग ओनली 8 inches विथ 4 hands कैरिंग अ लोटस अ व्हील ऑफ अ चैरियट एंड कॉन्शल एंड अ क्लब रिस्पेक्टिवली। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं और थोड़े लोग हैं जो परमात्मा पे ध्यान करते हैं और परमात्मा हृदय के एरिया में, हृदय के जो रीजन है वहाँ पे उपस्थित हैं और उनका साइज है 8 inches। उनके 4 हाथ हैं परमात्मा के, एक में शंख, जो चक्र है, गदा और कमल। चतुर्भुजम कांज रतांग शंख गदाधरम धारणाय स्मरंती। तो ऐसे परमात्मा के ऊपर ध्यान करना है। परपोट, द ऑल प्रोवाइडिंग पर्सन ऑफ गॉडहेड रिसाइड्स अस परमात्मा इन द हार्ट ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी। तो भगवान जो सर्वव्यापी हैं, हरेक हृदय में परमात्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं, हरेक कण में भी भगवान उपस्थित हैं। द मेजरमेंट ऑफ द लोकलाइज पर्सन ऑफ गॉडहेड इज एस्टिमेटेड टू एक्सपैंड From the ring finger to the end of the thumb, more or less 8 inches। Ring finger कौन सा होता है? ये वाला ना, ring finger। तो ऐसा इतना बड़ा परमात्मा का size। The form of the Lord described in this verse with distribution of different symbols beginning from the lower right hand up and down to the lower left hand with lotus, wheel of a chariot, conchal and club respectively is called Janardhan or the plenary portion of the Lord who controls the general mass। तो विष्णु के जो चतुर्भुज विष्णु हैं उनके अलग अलग नाम हैं। तो भगवान के हाथ के ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्मा। तो जिस हाथ में भगवान का, जिस हाथ में भगवान ने कमल पकड़ा है, चक्र रखा है, उसके हिसाब से विष्णु के एक नाम आता है। तो ये जो विष्णु है हम सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में, उनका नाम है जनार्दन। जनार्दन का मतलब है जो जन, सामान्य जनता को नियंत्रित करते हैं, जनार्दन। देर आर मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड विथ वेरियड सिचुएशंस ऑफ सिंबल्स ऑफ कॉन्च लोटस एक्सेट्रा एंड दे आर डिफरेंटली नोन एज पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, त्रिविक्रम, ऋषिकेश, केशव, माधव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, श्रीधर, वामन, मधुसूदन, गोविंद, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, हरि, पद्मनाभ, गोविंद, कृष्ण, विष्णुमूर्ति, अधोक्षज, उपेंद्र। तो ऐसे बहुत सारे विष्णु हैं। दीज 24 फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड
ऑफ लोकलाइज्ड पर्सन ऑफ गॉड एंड आर वर्शिप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लेनरी सिस्टम एंड इन ईच सिस्टम देर इज एन इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड हैविंग अ डिफरेंट वैकुंठा प्लैनेट इन द स्पिरिचुअल स्काई विच इज कॉल्ड द परव्योम. तो ऐसे भगवान के अलग अलग नाम हैं. तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है. भगवान के चार हाथ हैं, चार हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल, पद्म. तो ये चार का कॉम्बिनेशन हम अलग अलग करेंगे, अलग अलग हाथ में अलग अलग जो चिन्ह है उससे ये 24 भगवान के रूप आते हैं. इस प्रभुपाद ने यहाँ पर नाम लिखा है पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, त्रिविक्रम, ऋषिकेश एक्सेट्रा. तो ये सब भगवान जो है विष्णु के रूप ब्रह्मांड के अलग अलग जगह पे भी रहते हैं और उनका आध्यात्मिक जगत में परव्योम में अलग एक लोक है हर एक विष्णु के रूप का. There are many other hundreds and scores of different forms of the Lord, and each and every one of them has a particular planet in the spiritual sky, of which this material sky is only a fragmental offshoot. तो ये यहाँ पे 24 विष्णु के रूप बताए गए हैं, पर ऐसे हजारों रूप हैं भगवान के, लाखों रूप हैं, और आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोक में ऐसे बहुत सारे लोक हैं और हर एक लोक में एक एक भगवान का रूप है. द लॉर्ड एग्जिस्ट एज द पुरुष और द मेल एंजॉयर ऑल्सो देर इज नो कंपेरिंग हिम टू एनी मेल फॉर्म इन द मटीरियल वर्ल्ड. तो भगवान यहाँ पे वर्णन आता है प्रदेश मात्रम पुरुषम वसंतम. तो पुरुष, पुरुष का मतलब है जो भोगता है. ये दुनिया में जो एक्चुअल पुरुष है, जिनका पुरुष का शरीर है, वो भी पुरुष नहीं, वो भी प्रकृति है. पुरुष एक ही है, आदि पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम बजामी, वो कृष्ण है. बट ऑल फॉर्म्स आर अद्वैत, नॉन डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एंड ईच ऑफ देम इज इटर्नली यंग. द यंग लॉर्ड विथ हिज फोर हैंड्स इज नाइसली डेकोरेटेड एज डिस्क्राइब बिलो. तो भगवान के ऐसे अनंत रूप हैं. अद्वैत मतलब है भगवान के अलग अलग रूप हैं, पर वो सब भगवान से अभिन्न है. और हर एक जो भगवान का रूप है नव यौवनम, हमेशा जो नव युवक है वो अवस्था में रहता है. और भगवान के ये जो रूप है अलग अलग, यहाँ पे उनके चार हाथ में क्या क्या चिन्ह है वो बताए गए, पर आगे के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं भगवान कैसे वस्त्र पहनते हैं, कैसे दिखते हैं, परमात्मा का वर्णन आता है. तो हम टेक्स्ट 9 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे. हरे कृष्णा.